हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है नए वीडियो के साथ। तो आप ये देख रहे होंगे एचपी का 18.5 इंच का V185e LCD मॉनिटर है। तो इसमें प्रॉब्लम, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में, वाइट डिस्प्ले की है। तो ये पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए, तो ही आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। नहीं तो आप स्किप कर करके देखते हैं तो आपको प्रॉपर कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, फिर बाद में आपका सॉल्व नहीं होता है प्रॉब्लम, तो और आप सोचते हैं कि वीडियो सही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा कि इसको रिपेयर कैसे करना है। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी पैनल रिपेयरिंग की, एलसीडी मॉनिटर की और ब्रांडेड SMPS की, लैपटॉप की बहुत सारी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, नहीं तो कुछ वीडियो आपकी आप मिस हो सकती हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सा भी पार्ट चाहिए एलईडी एलसीडी मॉनिटर का, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप वहां से व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कार्ड्स की हमारे पास रहती है। तो चलिए पावर लगा के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से, किस टाइप का इसमें वाइट डिस्प्ले बन रहा है। तो ये देखिए पावर लगा दिया है हमने। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए कुछ भी नहीं आ रहा स्क्रीन पे, बिल्कुल वाइट आ रहा है। ये देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई डिस्प्ले नहीं बन रहा है। तो अब इस केस में या तो कार्ड ख़राब हो सकता है या तो पैनल, तो हमें चेक करना पड़ेगा। मैं दोनों आपको बताऊंगा कैसे आप कंफर्म कर पाएंगे कि कार्ड ख़राब है हमारा या पैनल ख़राब है। तो चलिए इसको खोलते हैं और खोलने के बाद फिर चेक करते हैं। अब देखिए वाइट स्क्रीन आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो हमारा कार्ड ख़राब हो सकता है, डीसी टू डीसी आईसी ख़राब हो सकती है, ये फ्यूज़ ख़राब हो सकता है। अगर ये फ्यूज़ ख़राब होगा तो यहाँ शॉर्टिंग भी हो सकती है कैपेसिटर में। और तीसरा, वीकॉम वोल्टेज नहीं बन रही होगी। तो ये कारण होते हैं वाइट स्क्रीन या वाइट रास्टर आने के। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर वोल्टेज चेक करनी चाहिए, यहाँ पर या फ्यूज के इस साइड में, उधर नहीं इधर। अगर यहाँ पर वोल्टेज आ रही है तो इसका मतलब हमारा कार्ड सही है, वाइट रास्टर नहीं आएगा, कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है। अगर यहाँ से कार्ड से जो वोल्टेज इन होती है VCC, वो अगर यहाँ पर आ रहा है 5 वोल्ट, और अगर 12 वोल्ट का पैनल है, बड़ा पैनल है 32 इंच का, तो 12 वोल्ट। अब ये छोटा है तो 18 इंच का, तो इसमें 5 वोल्ट आएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर मेन पॉइंट पर आप फ्यूज के इन कार्ड की साइड में चेक कर सकते हैं, यहाँ 5 वोल्ट आना चाहिए। अब दूसरा क्या चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे उसके दूसरी साइड में, यहाँ पर भी 5 वोल्ट आना चाहिए। अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो आप फ्यूज़ चेक करें, फ्यूज़ तो नहीं ख़राब है। और अगर फ्यूज़ ख़राब है तो सीधा फ्यूज़ ना लगा दें, एक कैपेसिटर चेक करें, इनमें शॉर्टिंग होगी कहीं ना कहीं, या तो डीसी टू डीएसी आईसी शॉर्ट होगी, ख़राब होगी, या तो एक कैपेसिटर ख़राब होंगे। अगर आपको लग रहा है कि कैपेसिटर नहीं ख़राब है, तो एक बार यहाँ पे हैवी जंपर ना मारें, अगर फ्यूज़ है तो फ्यूज़ लगाएं, नहीं तो पतला जंपर लगाकर चेक कर सकते हैं। अगर आईसी ख़राब होगी तो फिर ये दोबारा फ्यूज़ आपका ख़राब हो जाएगा, तो आप डीसी टू डीसी आईसी बदलें। सबसे पहले अगर फ्यूज़ ख़राब है तो ये कैपेसिटर चेक करें, इनमें कोई ना कोई ख़राब होता है, तो जो ख़राब है उसको निकाल दें, अगर है तो लगा दें, नहीं तो नहीं भी लगाएंगे तब भी चल जाएगा। तो ये है होते हैं। और तीसरा, वीकॉम वोल्टेज अगर नहीं बन रही है, तो अगर वीकॉम वोल्टेज नहीं बन रही है तो 5 वोल्ट या 4.5 वोल्ट के अप्रोक्स आता है हर पैनल में अलग अलग, तो उसको जम्पर के थ्रू कहीं से भी दे सकते हैं। तो एक बार अब यहाँ की वोल्टेज चेक कर लेंगे, यहाँ वोल्टेज आ रही है कनेक्टर के पास 5 वोल्ट लॉजिक कार्ड से या नहीं आ रही है, यहाँ चेक कर लीजिए या फ्यूज के पास चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है 5 वोल्ट, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, वो मीटर की वजह से आ रहा है, यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। अब हमें आउटपुट पर चेक करना है कि आउटपुट पर वोल्टेज आ रहा है फ्यूज के दूसरी साइड की नहीं आ रहा है, तो अब हमें इधर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ इस साइड तो वोल्टेज आ रहा था, अब इधर चेक कर लेते हैं एक बार, ये देखिए इधर वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब फ्यूज़ ख़राब होगा या इधर शॉर्टिंग होगी।
तो एक बार फ्यूज चेक कर लेते हैं। वे देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये ओपन है, ये फ्यूज़ ख़राब है। अब ये फ्यूज़ ख़राब है तो इधर हम चेक करेंगे, इस साइड में यहाँ पर कहीं शॉर्टिंग है या नहीं है, तो ये पूरा ये सेक्शन हम चेक करेंगे। तो यहाँ कंटिन्यूटी पर ही चेक करेंगे, तो ये देखिए अगर यहाँ शॉर्टिंग होगी तो यहाँ पूरा बीप साउंड आएगा, बजर बजेगा, तो उसमें दो तीन शॉर्ट दिखाएंगे, तो जो सारे निकाल के आपको बाहर चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ अभी कोई शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, सब सही। हो सकता है वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, तो हमारा फ्यूज़ ख़राब हो गया। अब हमें डीसी टू डीसी आईसी अभी नहीं निकाल देंगे, पहले हम फ्यूज़ लगाएंगे, अगर फिर ख़राब होता है फिर आईसी चेंज करेंगे। तो चलिए इसको चेंज करके देखते हैं एक बार कि प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो चलिए फ्यूज को चेंज कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर सेम फ्यूज हो तो लगा दीजिए, अदरवाइज अगर डीसी टू डीसी आईसी आपको ख़राब लग रही है तो हल्का फ्यूज लगाएं, ऐसा ना हो कि कुछ और कंपोनेंट शॉर्ट हो जाएं अगर शॉर्टिंग की वजह से। तो ये देखिए मेरे पास स्केलर बोर्ड पड़ा था, तो उसमें से सेम फ्यूज मैं लगा दे रहा हूँ। ये भी 5 वोल्ट का पैनल है, तो इसमें सेम फ्यूज हमें मिल जाएगा। और फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी वीडियो हम अच्छी अच्छी बनाते हैं, जिससे आप अच्छा काम कर पाएँ, रिपेयरिंग कर पाएँ। क्योंकि अगर पैनल रिपेयर नहीं करने आता है तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते, क्योंकि सप्लाई और कार्ड कितना रिपेयर कर लेंगे, तो पैनल रिपेयर करने आना चाहिए आपको। अब एक बार फ्यूज़ चेक कर लेते हैं, ये देखिए सही है फ्यूज़, तो और कहीं शॉर्टिंग है नहीं, तो ऑन करके एक बार हम देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए ऑन कर लेते हैं, ये मैंने ऑन कर दिया है, अब डिस्प्ले लगाकर एक बार चेक कर लेंगे। उसे देखिए डिस्प्ले आ गया है, ये देखिए, तो प्रॉपर चेक करने के सिस्टम से एक बार लगाकर चेक कर लेंगे। ये देखिए अभी ये स्विच प्रेस है इधर, इससे प्रॉब्लम आ रहा था, ये दोबारा ऑन ऑफ करके एक बार प्रॉपर चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें अभी थोड़ी सी ब्राइटनेस की दिक्कत है, वो सेटिंग से हो जाएगा। तो इसमें प्रॉपर डिस्प्ले आ गया है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वाइट रास्टर आ रहा है तो रिपेयर कैसे करेंगे, चेक क्या करेंगे, हो सकता है आपके पैनल में दूसरा फॉल्ट हो, लेकिन जैसा मैंने आपने बताया उस प्रोसेस से करेंगे तो ज़रूर रिपेयर कर पाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं फिर कुछ इसी टाइप की वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।